हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड डीजे। वेलकम टू माय चैनल टेक डीजे गेमिंग। आज हम खेलने जा रहे द्वार से बैड वॉर्स। चलिए गेम खेलना शुरू करते हैं। आज हम खेलेंगे 4x4 वाला। ओके, इसमें 4 होते हैं बंदे। ओके ना गाइस, मैं लकी ड्रॉ ले लेता हूं। लकी ड्रॉ से होता ये है कि गाइस हमारे पास ढेर सारा सामान हो जाता है। ओके गाइस, अब मैं ना जल्दी से ढेर सारे वो लेके बूल वगैरह बूल गाइस लेके दर्शन पटना सेंट्रल हेडक्वार्टर की ओर। ओके गाइस, सेंट्रल हेडक्वार्टर में बताऊं मैं किस लिए जाऊंगा। वहाँ पर से गाइस मार को मिलते हैं एमराल्ड, जो इस गेम में बहुत रेयर थिंक होती है। एमराल्ड इज वेरी रेयर थिंक इन दिस गेम गाइस। और मैं यहाँ पे दो का रख सकता हूँ ताकि हमारा टीम मैच जीते ना। यहाँ से रेड टीम है तो बाबा दिखता ही जा रहा है गाइस। I am right guys. भाग लेता हूँ मैं गाइस, जल्दी से भाग लेना। भाग लेता हूँ। फिशिंग रोड गाइस ले ली मैंने। मैं ले लेता हूँ जूते गाइस। मैं तो इस गेम की पैंट ही है। ओके ना गाइस, क्या सोच रहा है। ओह, दो बंदे उधर क्यों पहुंच चुके हैं ना, तो क्या बात आई गाइस। हम अभी तक मरे नहीं आदमी। मेरी जिंदगी का असूल है। ओह, वो दो फिशिंग रोड पे फिशिंग रोड मारते जा रहे हैं। इस चीज की तो पलक की नहीं, जबकि हमारी टीम पहुंच रही है उनके हेडक्वार्टर की ओर। तीन चार ओवर गाइस, ब्लॉक ले लेता हूँ मैं। 4 के 16 ब्लॉक मिलते हैं गाइस मेरे को। 16 ब्लॉक के मैं ले सकता हूँ। और ये तीर कौन मारा हमारी ओर, हमारे टीमर्स की ओर तीर तो कोई नहीं मारता। फिर एक बंदे की ऐसी मजाक कैसे होगी, मजाक कैसे होगी। अब मैं चल पड़ता हूँ इस सेंट्रल गेमर की इस बिल्ले को। मेरे पास मैंने यहाँ पे गाइस कमरा बना लिया है, ना तो हम हार ही जाएंगे गेम को। ओके, यहाँ पर अब मैं कई सालों तक तो इस कमरे में जाऊंगा गाइस। ये वो क्या हो रहा है,
क्या सोचेगा, वो यहाँ पे तीर मार लेगा है गाइस। ओ बेटे तेरी ये मुझे बहुत ही ज्यादा गलत है रे बेटू। क्या करेगा गाइस, एक ही बंदा बचाऊं गाइस, वो मुझे मार देगा क्या है गाइस। पहले नीचे तो आ जाने दो गाइस, फिर मैं ऐसी भी झुंझराड़ मार दूंगा। वो बंदा देखता ही रहेगा, उसे नीचे तो आ जाने दो गाइस, मेरे को यहीं पर ही खड़ा रहना पड़ेगा क्या तब तक। तो नीचे आने में बहुत ही ज्यादा देरी लगेगी, वो यहाँ पे वो मारा है फिशिंग रॉड, उसे नीचे गिर जाने दो बस, फिर मैं फिशिंग रॉड मार दूंगा उसके। ऐसे मारूंगा यहाँ पे एक रोशन दान बनाना ही पड़ेगा है ना गाइस, वो नीचे आएगा भी। उसके पास फिशिंग रॉड तो हमेशा ही जाएगी, एक बंदा ना गाइस है ना गाइस, एक बंदा बचा है और एक बचा है कोई और टीमर, दो ग्रीन बचे हैं लेकिन ऊपर दिखा रहे हैं कि एक ही ग्रीन बचा है। ओके गाइस पता नहीं कि एक बचा है या फिर दो बचे हैं ग्रीन टीम के गाइस, कभी नहीं मुझे आपको भी नहीं पता है ना गाइस। अब की बार तो मुझे उसे अपने झपटे में लेना ही लेना है गाइस ना गाइस, चाहते हो ना कि मैं उसे अपने झपटे में ले डाल दूं। गाइस हम जीत गए, यस अब हम अगला राउंड खेलेंगे गाइस। वो एक बंदा बचा था, वो नीचे से हमारे पास अटैक करने आ गया मुझे, मैं नीचे खड़ा था उसका इंतजार में, जैसे ही वो नीचे आएगा उसे मार डाल दूंगा, और आखिर में मेरे साथ ही हो गया। सॉरी बेटा, लेकिन बोलते हैं ना कि अगर हमारा गुड लक है तो फ्लोरर को रखने के बाद ही मेरे साथ होगी जीत गया बे। वो पता नहीं क्या चीज होती है गाइस, लेकिन हम उसकी मदद से तो हम जीत ही जाते हैं हर एक लेवल को। ओके गाइस जब दूंगा ना मेरे ढेर सारे जब मेरा गलत लगा दिया, मेरे को उधर लगाने थे
ऑफ द एनिमी। तो एनिमी एक्ट ऑफ द एनिमी हो गया। जे जल्दी से समझ में आया गाइस, इसकी यही चाल है। अरे ये वाला ले रहा है क्या? इसकी तो 13-12 होगी। ये भी हमारा टिमर नहीं है, ये गुड्डा है। गुड्डा डेंजर 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 मार दिया आखिरकार हमारे टिमर ने उसे। हमारा बेड पिछली बार भी कट हो गया था गाइस, हम जीते ना, वैसे इस बार हो गया होएगा। ओके ना गाइस, उस ग्रीन बेड में ने हमारा बेड को कट किया ना, अब मुझे 40 आयरन लगे, मैं उसे कट कर दूंगा, उसके बेड को कट कर डाल दूंगा। इसका नाम है हैव एनर्जी 5 है, उसका नाम भी यही है 3। अब इसकी 2 हेल्थ रही है बेचारा, अब 1 हेल्थ रहेगी, 1 अब 0 होने वाली है इसकी हेल्थ, और ये गायब हो जाएगा। अब ये गायब होएगा, हो गया 1 हेल्थ रह गई। मुझे 40 के वो लेना चाहिए गुड्डा, मैं कितना 40 का तो वो लूंगा ना गाइस, फायर बॉल से। ये होता है कि गाइस हम किसी का भी बेड को अगर हम कट करने जाएंगे ना, तो उसका बेड खुद ब खुद ही कट हो जाएगा। हमारे पास 11 है। ओके गाइस, जब हमारे पास 40 हो जाएंगे ना, तब जाके हमारे हम जीत होगी। ओके गाइस, फायर चार्ज ले रही है मैंने गाइस, ले लिए फायर चार्ज। ओ येलो टीमर्स भी आ गए हमारे हेडक्वार्टर की ओर रेड डालने। अब हमारे हेडक्वार्टर की ओर रेड डाल रहे हैं वो टीमर्स, तो अलग अलग ये मेरी 40 की ना, और ले लेता हूँ वेपन में। एक बार का तो गाइस ये रूल होता है ना, हमारी टीम को फिर कोई नहीं हरा पाएगा। ओ उस बंदे ने तो वहां तक रास्ता भी बना लिया था, मैं बिना कितना बेवकूफ हूँ, मुझे रास्ता बनाने की उधर तक क्या जरूरत थी ना गाइस। अब मैं यहाँ पे एक वाटर बकेट लॉन्च कर देता हूँ, अब मैं हमारे टीमर इधर आ पाएंगे जा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे टीम को। लेकिन देखिए वाटर सीधा नीचे जा रहा है। ओ मैंने गलती कर दी गाइस, नीचे नहीं जा रहे हैं। ओए हम इस वाटर को नीचे नहीं जाने देंगे। हम इस पानी को गया। तूने ये सही किया, मुझे यहाँ पे ये गाय देना पड़ेगा है ना भाई। यहाँ पे कोई किसी का बच्ची है क्या? जहाँ पर से पानी जा रहा है, ओए ये सारा पानी रोक ही दिया हमने आखिरकार ना गाइस। अब हम ऊपर चल पड़ते हैं गाइस, मेरे पास एक आइडिया है, मैं इधर तक ऐसे सीधा रास्ता बना देता हूँ ऊपर तक पहुँचा देने का, हमारे को ये ऊपर तक पहुँचा डाल देगा। ओके गाइस, वो
मुझे ऊपर तक पहुंचाना है। हेल्प मी, क्या करना है मुझे, ऊपर जाना है, रास्ता बनाना है मुझे ऊपर जाने का। ठीक है, ये रास्ता बनाना है ऊपर जाने का। सेंटर में से जा पाएंगे फिर ऊपर की ओर। मुझे फिर यहाँ पर से लगाना है गाइस। रास्ता बनाना पड़ेगा ऊपर तक जाने का। और भी ऊपर है क्या? कौन सा बंदा है हमारे की मेरे को चोट मारी? ओ हमारा टीमरी स्किल्ड। एक मैं ही बताऊँ सिर्फ, अब जब उसका सामान मिल जाएगा ऊपर से। क्या पर वो मरा था ना गाइस, जिसका सामान ऊपर से नहीं गया। अब वो बॉय मुझे मार ही नहीं सकता है। वो बॉय ऊपर आएगा और मैं उसके आपको मेरा वीडियो चल गए तो फिर आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।